नमस्कार दोस्तों, रेलवे प्रशासन विभिन्न शिकायतों के पश्चात में अब आम यात्रियों के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध करा रहा है, जैसे कि जनरल कोचों में वृद्धि कर रहा है, विभिन्न मांग वाले रूटों पर स्पेशल ट्रेनों की बढ़ोतरी कर रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सावन महीना अभी हाल ही में शुरू होने वाला है। ऐसे में विभिन्न यात्री ट्रेनों की मांग हमारे उज्जैन और सीहोर जैसे धार्मिक स्थानों के लिए की जा रही। इसी को देखते हुए पश्चिम रेलवे प्रशासन के द्वारा उज्जैन भोपाल के बीच में तो स्पेशल गाड़ी चला दी गई है और भोपाल मंडल के द्वारा भी अपने यात्रियों के लिए विभिन्न ट्रेनों को चलाने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, जिसमें से एक गाड़ी जो हमारी भोपाल बिलासपुर एक्सप्रेस चलती है, जो कि कटनी दमोह सागर बीना के रास्ते भोपाल आती है बिलासपुर से होते हुए। हालांकि इस गाड़ी की गति काफ़ी धीमी है, लेकिन इस गाड़ी का विस्तार भोपाल से आगे सीहोर और शुजालपुर मक्सी होते हुए उज्जैन तक कर दिया गया है। आगामी 1 अगस्त तक यह गाड़ी चलाई जाएगी और भोपाल स्टेशन पर यह गाड़ी शाम को 5:30 बजे आकर यहां से आगे उज्जैन के लिए प्रस्थान करेगी। कल से इस गाड़ी की शुरुआत हो चुकी है। वहीं जो यह गाड़ी उज्जैन से सुबह करीब 5 बजे के आसपास में प्रस्थान करके 9:45 बजे के आसपास भोपाल पहुंचेगी और यहां से वापस यह आगे विदिशा बीना सागर दमोह कटनी होते हुए बिलासपुर के लिए प्रस्थान करेगी। तो इस क्षेत्र के निवासियों के लिए यह एक सौगात, क्योंकि हमारे कटनी दमोह सागर बीना वाले रूट से उज्जैन तक के लिए केवल एक्सप्रेस गाड़ियां ही चलती हैं और उनमें वर्ष भर भीड़ की स्थिति रहती है, तो ऐसे में आम श्रद्धालुओं के लिए यह किसी सौगात से कम नहीं होगी। और यह टाइम टेबल आप देख रहे हैं जो बीच के स्टेशन हैं उनके यात्रियों के लिए है। भोपाल तक तो जो हमारा बिलासपुर भोपाल गाड़ी का टाइम टेबल है वह ही फॉलो करेगी, भोपाल से आगे के यात्रियों के लिए यह टाइम टेबल स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो निश्चित तौर पर इस गाड़ी का फ़ायदा जो हमारा बुंदेलखंड इलाका है उसके यात्रियों को मिलेगा। केवल इस गाड़ी की थोड़ी सी धीमी रफ्तार ही चिंता की वजह है, उसके अलावा यह गाड़ी निश्चित तौर पर यात्रियों को फ़ायदा पहुंचाएगी, क्योंकि डिमांड भी आ रही थी कि हमारे जो बुंदेलखंड इलाके से है अतिरिक्त गाड़ियां चलाई जाए। तो हफ्ते में 6 दिन इस गाड़ी का संचालन वर्तमान में किया जाएगा। भोपाल से केवल यह गुरुवार के दिन नहीं चलेगी और उज्जैन से शुक्रवार के दिन यह गाड़ी नहीं चलेगी। अगले सितंबर महीने तक इस गाड़ी का यदि संचालन हो जाता तो काफ़ी फ़ायदा होता। खैर, इस गाड़ी को 15-16 दिन के लिए चलाया गया है, तो फिर भी यात्रियों को इसका फ़ायदा मिल जाएगा। और रेलवे प्रशासन से अनुरोध है कि विभिन्न गाड़ियां जो इस तरह एक स्टेशन पर काफ़ी लंबे समय तक खड़ी रहती हैं, उनको आगे विस्तारित करके वे लोग रेक का उपयोग कर सकते हैं। हमने पूर्व में जो उज्जैन भोपाल गाड़ी उज्जैन स्टेशन पर 6-7 घंटे खड़ी रहती है, उसको भी आगे रतलाम तक बढ़ाए जाने का अनुरोध वाया फतेहाबाद बड़नगर होकर। इसके साथ ही इंदौर उज्जैन पैसेंजर गाड़ी का रेक भी उज्जैन स्टेशन पर लंबे समय तक खड़ा रहता है, उसको भी आगे संत हिरदाराम नगर तक ही यदि रेलवे बढ़ा दे तो बीच के स्टेशनों के साथ साथ जो श्रद्धालु हैं उज्जैन से सीहोर आने वाले उनको काफ़ी फायदा सावन महीने में मिल सकता है। उम्मीद कर सकते हैं रेलवे प्रशासन इस अनुरोध पर विचार करेगा। और इसी तरह की और भी अपडेट पाते रहने के लिए हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। आप सभी का धन्यवाद।